हेलो एवरीवन, एंड मैं फिर से लेकर आई हूँ छोटा सा ब्लॉग। एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब थी तो मेरा ज़्यादा वो मन नहीं करा, बट आज मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस, तो सोचा छोटा सा ब्लॉग बना दिया जाए। इसको देखो मैडम को, इसको चैन क्यों नहीं है? वो मेरी ड्रेसिंग टेबल में चढ़ के बैठ जाएगी, मेरा सारा सामान छेड़ती रहती, कभी कुछ नहीं छोड़ती है, सब ले लेके चली जाती है ये लड़की। फिर कब मना करो तो रोना होता है इनका। देखो, ओ मेरे लाइनर भी पड़े यहाँ पे, देखो इसको। मैं वही कहूँ, मेरी चीज़ें कहाँ चली जाती हैं, देखो इनसे खेल रही। और बिक्स, ये तो इसके टॉयज होते, कितने भी टॉयज ला के दे दो लेकिन इनसे ही खेलना है इस लड़की को। सच में बच्चे कितने शैतान होते, कितना परेशान करते हैं, कभी कभी तो गुस्सा आता है, फिर सोचता है चलो बच्चा यार क्या करें। तो यहाँ आज मैं बना रही हूँ अपने फ्राइड राइस जो मुझे पसंद है, ये मम्मी बना रही थी, मैंने उनसे सीखा था। मैं इनमें ना थोड़ी सी चने की दाल डालती हूँ, इससे ना थोड़ा टेस्ट अलग आता है, आप भी ट्राई करना, थोड़ा अच्छा बनता है। मैं जो भी वेजिटेबल्स वगैरह होती है ना, चावल बॉईल कर लेती हूँ पहले ही, उसमें ही वेजिटेबल्स डाल देती हूँ, फिर बाद में फ्राई करती हूँ मैं अलग से। ये मम्मी ऐसी बना दी थी तो ये मैं दालचीनी डाल रही हूँ इनमें, क्योंकि चाय वगैरह में मैं दालचीनी डालती हूँ। इन मेरे हस्बैंड दालचीनी और अजवाइन का ये सब इसी यही पीते हैं, तो बस ख़त्म हो गई, तो मैंने सोचा इसमें भर देती हूँ वरना मैं भूल जाती हूँ, फिर ढूंढती हूँ कहाँ है। होगा सच में, ऊपर से तबीयत ख़राब, मैं ना काम करने का बिल्कुल दिल नहीं करता, बहुत शैतान लड़के, बहुत शैतान। मुझे भी खिला दे, कुछ भी नहीं करेगी ना, किस करेगी ना कुछ करेगी, अभी हो गई शैतान। देखो देखो देखो, मेरी नकल नकल खा ले सारा, नो नो किसी, कितना स्मार्ट लग रहा हूँ। ओके दूध बिस्किट खिलाऊंगी इसको ताकि थोड़ा शांत रहे ये और मैं काम कर पाऊँ। खाने में भी बहुत नखड़े होते हैं इनकी चीजें, चलाओ इनकी फेवरेट बीच बीच में चेंज होती रहती है, तो जब खाने में भी बहुत दिमाग खराब करती है लड़की। तो यहाँ हम अपने काट लेते हैं प्याज, वेजिटेबल्स वगैरह जो भी आप डालो, पता है आप काट मतलब डाल, मैं वेजिटेबल्स जो जैसे गाजर मटर या गोभी ये सारी चीज़ें होगी मैं चावल के साथ ही बॉईल कर लेती हूँ, थोड़ी सी चने की दाल डाल के। एनी टमाटर प्याज हरी मिर्च ये सब मैं बाद में जब फ्राई करते हैं, मैं बाद में फ्राई करती हूँ, इसे मुझे अच्छा लगता है। फ्राइड राइस एक मसाला आता है वो भी डाल सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं कभी कभी बिरयानी मसाला होता है वो डाल देती हूँ, फ्राइड राइस मसाला वो डाल देती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी एक्चुअली मैं मसाला कम ही यूज़ कर रही हूँ, ये मुझे ऑल टाइम मेरे फेवरेट होते हैं, जब भी मन करता है मैं यही बनाती हूँ, मुझे बाहर से ज़्यादा अपने वाले ये अच्छे लगते हैं घर के देसी। थोड़ा जल्दी जल्दी फिनिश कर रहे क्योंकि ये इनको भूख लग रही है, थोड़ी बहुत मेरे को भी लग रही, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया इसलिए। खाना खाने ये हाँ लाओ लाओ, एक मेरे को तो अच्छा तेरी है, चल मैं दूसरे ले आ रहा हूँ। बैठो कायरा, तो डैडी से बोलो बैठो, बैठ गया मैं, बोलो खाओ खाओ, तू तो खा ले। चलो शुरू करते हैं, अब पहले खा लो। अच्छे से कैसे लगे आप? एकदम फर्स्ट क्लास, एक चीज अलग करती है, सॉरी लोग ऐसे ही फ्राइडेज बनाते हैं लेकिन मेरी भी जो ना इसमें डालते थोड़ी सी दाल चने की, और इतना बढ़िया टेस्ट आता ना, मतलब खाते खाते वो दाल चबाते हैं।
आउट ऑफ द वर्ल्ड, बना ही नहीं सकता कोई। जल्दी से मैं अपना काम फिनिश कर लेती हूँ। एक्चुअली ना मुझे ना जब काम टाइम से हो जाता है वही अच्छा लगता है, फिर बीच में जैसे धीरे बैठे रहो फिर बाद में काम करो फिर बैठ जाओ फिर काम, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। काम जितनी जल्दी हो जाए मुझे वो पसंद है, आराम से साफ सफाई हो जाए फिर आराम से बैठो जो करना है फिर वो करो। इसलिए मैं काम जल्द पहले अपना किचन का साफ करती हूँ सारा, क्योंकि मुझे किचन साफ रहती है ना मुझे तभी अच्छा लगता है, वरना पता नहीं कुछ एंग्जाइटी सी होती रहती है कि क्यों गंदी है। मैं किचन साफ ही रखते हो। तो ये रही मेरी किचन, हो गई साफ। आप लोगों कैसी लगी मेरी किचन? एक्चुअली मैंने खुद से डेकोर किया, छोटा मोटा जो भी मुझे आता है अभी थोड़ा बहुत और करना है वो धीरे धीरे करूँगी। यहाँ पे मैं अपनी रात सॉरी मॉर्निंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ, सब्जी वगैरह काट के रखती हूँ क्योंकि थोड़ा ईजी हो जाता है खाना बनाने में। तो मैं सब्जियाँ जो बनानी होती है मैं रात को काट के रख देती हूँ, बाकी फिर मॉर्निंग बस फ्राई करना एंड बनना, क्योंकि टाइम लगता है कभी कभी क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनता है तो इसलिए इतना टाइम नहीं हो पाता मेरे पास। तो वही बस फिनिश करके फिर आराम से बैठेंगे। हेलो, तो आज का हम ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, प्लीज़।